लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर शरीर से बाहर होता क्यों है। तो देखिए, जब हम लोगों का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या हम लोग गर्भस्थ शिशु की बात करेंगे, तो जब गर्भस्थ शिशु हमारा 6 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, उस दरमियान जो टेस्टिस होते हैं उसकी पेरिटोनियम यानी कि उदर भाग में होते हैं। लेकिन 7 महीने के बाद जो होता है वहाँ पर एक ट्यूब के द्वारा, कैनाल के द्वारा ये उतर करके हमारे दोनों टांगों के बीच में या उदर भाग के नीचे आकर के शरीर से बाहर लटक जाते हैं, जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ये एक थैली में बंद होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। जिस थैली में बंद होते हैं उसको स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहा जाता है। और ये दोनों जो टेस्टिस होते हैं इनके बीच में एक सेप्टम होता है जिसको स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं या स्क्रोटम सेप्टम कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हम स्किन होती है, क्या होती है, स्किन होती है। इसी को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं या स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी लेयर होती हैं, और लेयर जो होंगी यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस के ऊपर जो पूरी कवर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बिजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बिजिनिया कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेस्टिस को घेरे हुए हैं, लेकिन ये ऊपर से बंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के अलावा यहाँ पर हमारी न्यूरान भी होती है, और इसके अलावा आर्टरी भी होती है और लिम्फ भी होती हैं। इसके अलावा इसमें जितना न्यूरॉन, आर्टरी, वेंस, लिम्फ, ये सभी जो है एक एक ट्यूब में बंद होती हैं, तो इसे हम वंचन नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, वंचन नाल कहते हैं। जब जन्म होता है या 7 महीने के बाद जब ये एब्डोमेन से नीचे आ जाती हैं, तो जो वंचन नाल होती है बंद हो जाती है। हम बात करेंगे कि आखिर वंचन नाल क्यों बंद हो जाती है, अगर ना बंद हो तो क्या होगा। देखिए, अगर वंचन नाल ना बंद हो तो आप सभी जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में, जो आपको यहाँ पर स्क्रोटम दिख रहा है, स्क्रोटम में आपकी डायटोस मसल्स होती हैं जो इसकी स्किन को सिकोड़ती हैं और फैलाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रीमास्टर्स मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, क्रीमास्टर्स मसल्स होती हैं। क्रीमास्टर्स मसल्स क्या करती हैं, ये टेस्टिस को ऊपर सर्दी के मौसम में ऊपर शरीर से चिपका लेती हैं, और गर्मी के मौसम में ढीला करके शरीर से दूर कर देती हैं। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंचन नाल बंद क्यों हो जाती है। यदि वंचन नाल बंद ना हो तो सर्दी के मौसम में या ज्यादा ठंड लगने पर ये टेस्टिस फिर से उदर में चले जाएंगे, इसलिए वंचन नाल बंद हो जाती है। कभी कभी बच्चों में, कभी कभी अगर हम बच्चों में बात करेंगे कि जब 7 महीने का हो जाता है या जन्म ले लेता है, तो वहां पर क्या होता है कि ये बाहर नहीं आता या शरीर से बाहर नहीं आता है, तो उस दशा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टू, क्या कहेंगे, क्रिप्टोरचाइडिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोरचाइडिस कहते हैं, क्रिप्टोरचाइडिज्म कहते हैं। अब जो क्रिप्टोरचाइडिज्म है, इसका मतलब ये है कि बच्चे ने जन्म ले लिया लेकिन अभी भी टेस्टिस आउट ऑफ एब्डोमेन नहीं आए, शरीर से बाहर या उदर भाग से बाहर नहीं आए, तो इस दशा में क्या हो जाता है, हम बात करेंगे कि उसके शरीर में टेस्टिस नहीं बनते हैं, टेस्टिस नहीं बनेंगे। तो क्या करते हैं, उसको डॉक्टर की मदद से, ऑपरेशन की मदद से शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर किस कंडीशन में क्रिप्टो, जो यहां पर आप देख रहे हैं, क्रिप्टो क्रिप्टोरचाइडिज्म हो जाता है, तो आखिर क्यों होता है। तो देखिए, अभी तक इसका पूरी तरह से कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं पता किया गया है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ हार्मोन्सों की कमी से और इन्वायरमेंटल और जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है जो क्रिप्टोर चाइडिज्म हो जाता है, अर्थात उदर भाग से जो है टेस्टिस बाहर नहीं आते हैं।